हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ मैं कैसे अपनी ड्राइंग में रियलिस्टिक शेडिंग करता हूँ। सो वी श्योर टू वॉच द वीडियो टिल दी एंड, एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेस द बेल आइकन। सो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से आउटलाइनिंग बना लेंगे। अब मैं अपने टूल्स बताता हूँ। जो मैं आज पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ वो है स्टेडलर की मार्स लूमोग्राफ पेंसिल एंड एक्सट्रीम डार्कर एरिया के लिए मैं कैमलिन की चारकोल पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ। एंड ब्लेंडिंग में जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है ब्रश, कॉटन एंड पेपर स्टम्प्स एंड हाईलाइट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनो जीरो इरेजर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन ड्राइंग पार्ट। डार्क एरिया में मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। और मैं चारकोल ब्लेंड करने के लिए पेपर स्टंप का यूज कर रहा हूँ। शेडिंग करने से पहले एक क्लियर ड्राई ब्रश की देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे एक पतली सी ग्रेफाइट की लेयर पेपर पर आ जाएगी। उससे ये होगा कि जब हम उस पर लेयर्स लगाएंगे तो पैचेस कम आएंगे। सेम टेक्निक अपन हेयर्स पर यूज़ करेंगे। पहले एक लेयर चारकोल पाउडर की देना है, फिर उसके बाद पेंसिल से सेट कर लेंगे। अगर आपको पता करना है कि मैं कौन सा चारकोल पाउडर यूज़ करता हूँ एंड कैसे बनाता हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। मैं बियर्ड एंड मोस्टेज के लिए स्टेडलर की डबल ई एंड कैमलिन की हार्ड एंड मीडियम पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। Thank you.
सो गाइज, दिस इज अ फाइनल ड्रॉइंग। इसमें मैंने आई, नोज, लिप्स, हेयर्स, बियर्ड, मोस्टेच मैंने ड्रॉ करके दिखाई है काफ़ी रियलिस्टिक शेडिंग से। और इसको ड्रॉ करने में मुझे अराउंड 5 to 6 hours से भी ज़्यादा का टाइम लगा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कुछ भी रह गया हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो फिर भी कमेंट करके पूछ लेना। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।